स्पेशल फूड पॉकेट। आज फूड पॉकेट के किचन में एक नए तरह की रबड़ी बनने जा रही है। ऐसे तो हम रबड़ी बहुत सारे, जैसे रबड़ी तरह तरह की हमने मिल्क से बना हुआ खाए हैं, आज एक नए तरह से रबड़ी बनाएंगे जो कि कोकोनट यानी नारियल से बनी हुई रबड़ी है। आइए फिर बनाने चले। कोकोनट रबड़ी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पर एक कोकोनट ली हूँ, देखिए इसको ना हम क्या करेंगे, ये जो आँखें हैं ना तीन, इसको हम अच्छे से ना इसको छेद करके इसमें पानी निकालेंगे। ये देखिए सारा पानी, तीनों जो आँखें थी ना इसकी हमने छेद कर लिया है, और जितने भी पानी अंदर है ना वो सारे हम निकाल देंगे। अब हम ये जो नारियल है ना इसको हम क्या करेंगे, कुकर में डालेंगे, और इनमें हम क्या करेंगे, हमें पानी देना है, हमें बॉयल्ड करना है इनको। हम क्या करना है देखिए, अच्छे से हमने थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं, इतना पानी मैंने दिया है, इसको थोड़ा सा बॉयल्ड होने देंगे। इसको हम ना 6 सीटी लगाएंगे। अभी हमने अच्छे से देखिए इसको ना ठंडा पानी डाल के मैंने इसको ना अच्छे से निकाल दिया था, ये गर्म था पहले, 6 सीटी देने के बाद ना हमने इसे निकाला था। अब इसको ना ऊपर का जो छिलका होता है ना वो हार्ड होता है, इसको अच्छे से तोड़ना पड़ेगा हमें। गर्म भी है और इसको हमें निकालना पड़ेगा अभी। ऐसे ऐसे करके ना हम इसको निकालेंगे और इसको पील करेंगे, पहले इसको ना तोड़ के अच्छे से निकाल देते हैं। तो चाकू की मदद से ना ऐसे चारों तरफ आप ऐसे कर लोगे ना तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह हमें निकालना है, और इसको हमें क्या करनी है, ये जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन दिख रहा है ना इसको हमें ऐसे पील करना है। पील करके छोटे छोटे पीसेस में काट के ना इसको हमें ग्राइंड करके लेना है। पहले इसको ऐसे पील करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक देखिए कढ़ाई ली हूँ, इसमें मैं हल्का सा पानी डाली हूँ नीचे तले पे जैसे ना लगे। इसमें हम ना मिल्क डालेंगे, 1 लीटर मिल्क मैं ली हूँ इसमें, और इसको रिड्यूस करके 1/2 लीटर हमें रखना है। इसको पहले हम उबालने देते हैं अच्छे से। दूध में देखिए बॉयल आ चुका है, इसमें ना हम क्या करेंगे, ये मैं ना थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर और फ्लेवर के लिए। इसको हम और थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर में डाल रही हूँ इसमें। अब हमारी यहाँ पर नारियल मैंने जो लिया था तो मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी हूँ, इसको क्या करेंगे हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें सारे पीसेस को हम डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें ना बादाम डालनी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालूँगी, 4-5 ऐसे देखिए थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा इसमें ना मिल्क डालेंगे क्रीम के साथ में, थोड़ी सी ना वो मलाई है उसी के साथ में थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ इसमें, और इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इनमें देखिए हमारी मिल्क रिड्यूस हो चुकी है काफ़ी हद तक, और इसमें ना हम क्या करेंगे, 1 कप चीनी डाल रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। और इनमें ना
हमने ये देखिए चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो हमारा नारियल था ना पिसा हुआ, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अभी। इसको भी अच्छे से हम अभी उबाल आने देते हैं, और इसको हम काफ़ी हद तक, ये इतनी है ना, हमें इसको ना और भी रिड्यूस करना है। जैसे रबड़ी होती है ना उसमें थोड़ा सा मोटा ज़्यादा होता है, ठीक होता है, तो उस तरह हमें रखनी है। और ये जितना भी है उसको हम थोड़ा सा और करेंगे रिड्यूस। ये देखिए कोकोनट रबड़ी हमारी बन के तैयार हो चुका है। इसको हम अभी ठंडे होने के लिए बाहर ऐसे रखेंगे पंखे के नीचे, फिर हम ना इसको ठंडे करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं अभी इसको ऐसे ही ठंडे होने के लिए रख दे रही हूँ। इसमें ना हम थोड़ा सा कटी हुई बादाम डाल रहे हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं इसमें। इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। रबड़ी बनके तैयार हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा पिस्ते से मैं ना इसको गार्निशिंग कर रही हूँ, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।